नमस्ते फ्रेंड्स, मानो की किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ काढ़ा। ठंडे के मौसम में अक्सर लोग सर्दी खांसी और जुकाम से परेशान हो जाते हैं, तो जिन लोगों को सर्दी खांसी और जुकाम का प्रॉब्लम है वो ये काढ़ा बना के पी सकते हैं। इससे आपको बहुत आराम मिलेगी। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। काढ़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 2 दालचीनी का टुकड़ा, 7-8 काली मिर्च, 2 टीस्पून गुड़, 10 से 12 पुदीना के पत्ते, 1 तेजपत्ता, 10 से 12 तुलसी के पत्ते, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 इलायची, 4 लौंग और 1 बड़ी इलायची। अब हम एक क्रेशर में पहले दालचीनी का टुकड़ा, बड़ी इलायची, लौंग, छोटे इलायची और काले मिर्च को डाल के हल्का सा कूट लेंगे और ये हमने मसाले को हल्का सा कूट लिया है। अब हम इसमें डालेंगे अदरक का टुकड़ा और इसे भी मसाले के साथ हल्का सा कूट लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मानो की किचन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। अब मैं इसमें डालूंगी 10 से 12 तुलसी के पत्ते और 10 से 12 पुदीना के पत्ते और इसे भी हल्का सा कूट लेंगे। तो हमने इसे कूट लिया है और ये जो गुड़ और तेजपत्ता है इसे हम सीधा पानी में ऐड करेंगे। अब हम एक पैन में बड़े देर का पानी डाल देंगे, गैस को ऑन कर देंगे और इसमें डालेंगे तेजपत्ता, गुड़ और ये जो हमने मसाले को क्रश किया है इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसे हाई फ्लेम पे एक उबाल आने देंगे, उसके बाद हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे और लो फ्लेम पे इसे 8 से 10 मिनट बॉयल कर लेंगे। पानी में उबाल आ गया है, गैस का फ्लेम लो कर देते हैं और इसे ऐसे ही 8 से 10 मिनट बॉयल होने देंगे या तब तक बॉयल करेंगे जब तक ये 1.5 ग्लास से 1 ग्लास ना हो जाए। और ये हमारा काढ़ा बन के तैयार हो गया है। इसे हमने 10 मिनट अच्छे से बॉयल कर लिया है, गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे एक चाय छानने वाले छन्नी से छान लेंगे। और ये आप देख सकते हैं हमने 1.5 कप पानी लिया था और ये बॉयल होके 1 कप हो गया है। और ये जो मसाले हैं इसे आपको फेंकना नहीं है, इससे आप मसाले वाले चाय बना के पी सकते हैं। बहुत ही टेस्टी चाय बन के तैयार होगा। अगर आप सर्दी जुकाम से परेशान हैं तो ये काढ़ा बना के गर्मा गर्म जरूर पिए, आपको बहुत आराम मिलेगा। तो फ्रेंड्स, रेसिपी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा। अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।